हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। गाइज, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा बोट नेक डिजाइन बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने इसकी ब्रॉड 4.5 इंच ली है। लगभग मैं सभी की ब्रॉड बोट नेक में 4.5 ही लेती हूँ, और नीचे से मैंने वैसे तो 4.5 लेती हूँ, बट यहाँ मैंने 4 इंच लिया है क्योंकि हम इसमें नीचे डिजाइन बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ से हम मापेंगे एक बार, ये हमारा 3 इंच हो गया, तो 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया है इसका सेंटर देखने के लिए। ये इसका जो दो डिजाइन में आपको सेम इसी नेक में बताऊंगी। जैसे कि अगर हमने ये नेक इस तरह से बनाना है तो हमने यहाँ पर 1/2 इंच ले ले या फिर 1 इंच ले लें, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितना ब्रॉड या कैसे रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं। तो हम मैंने 1 इंच यहाँ पर लिया है और इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। आप ये राउंड शेप वैसे भी दे सकते हो, जैसे कि एक बार हमने स्क्वायर में निशान लगाया, हल्का हल्का जैसे कि लगा के दिखा दूं, ऐसे निशान लगाकर भी आप ये शेप दे सकते हो, बट मैं ऐसे ही राउंड दे देती हूँ। तो इसको तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो एक नेक तो हमारा ये हो गया, दूसरा नेक इसी में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये निशान मैंने सेंटर का लिया था इस डिजाइन के लिए। दूसरा जो हम डिजाइन बनाते हैं इसी में, इसको हम नीचे से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करके इस तरह से कर देंगे, तो ये हमारा राउंड में डिजाइन आ जाएगा। इसकी भी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है, और ये भी बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है। इसको हम ऐसे कट करेंगे और ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर हम एक लूप्स के साथ बटन लगा देंगे, ये भी बहुत ही सुंदर हमारा डिजाइन बनेगा। तो ये हमारे दो डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बाहर का आपको पता ही होगा कि आपको कैसे कट करना है। बाहर का 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे, बट अब जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं ये डिजाइन बनाऊंगी। जैसे कि 1/2 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया, 1/2 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया, और नीचे से बिल्कुल ही ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी, बिल्कुल सीधी। यहाँ से मैंने सीधा निशान लगाया और बिल्कुल नीचे से लाइन ड्रॉ कर दी। इनके पहले आप इसको ऐसे बना लेना, पहले एक बार राउंड की शेप लगा लेना, साइज सेम वही रहेगा 4 और 7, इसी के ऊपर हम सारे डिजाइन बनाएंगे। ये पहले हम अगर ये नेक बना रहे हैं वी वाला, तो हमने क्या करना है, पहले हम बोट नेक बनाएंगे और उसके बाद नीचे जो 3 पर निशान लगाया था उसके साथ 1/2 इंच का ये डिस्टेंस रखते हुए मिला देंगे। अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमने जितना भी मार्जिन आप ले सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, इनके आप जितना रखना चाहो उतना आप रख सकते हो, और यहाँ से हम कट कर लेंगे। एक बार मैं आपको ऐसे ही कट करके दिखाती हूँ। यहाँ से आपने ऐसे इस तरह से कट कर लेना है। एक बार मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है दोस्तों, और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। जैसे कि ये ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार। तो यहाँ तक हमने समझा कि मैंने कैसे कट किया। अब हम इसको कैसे इस तरह से सेम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारा हिले ना। अब हमने इसमें एक पिन अटैच कर ली है, अब इसको भी हम सेम डिस्टेंस रखते हुए कट कर लेंगे। यहाँ से हमने राउंड शेप देनी है, ये हमने पिन अटैच कर ली थी तो ये हमारा हिल नहीं रहा, आराम से ये कट जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा कुछ कितना ज्यादा है, तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों, और ये बहुत ही सुंदर बनेगा। मैं इसका बनने के बाद भी आपको लुक दिखाऊंगी ये कैसा तैयार हुआ है।